नमस्कार, मेरा नाम साधना कुलकर्णी, मैं मीरा रोड बम्बई से हूँ। ये जनधनी जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारे इधर जब भी संपन्न हुआ था, ऐसे प्रोग्राम तो मैंने दो तीन देखे थे, मैं देख चुकी थी। लेकिन इस प्रोग्राम में जो अलगपन जो मुझे लगा, एक तो पहला कि सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट तो बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, इस सब्जेक्ट पे हमेशा बातें होती, लेकिन ये मैडम ने जो बताया, मतलब जब भी हम लोग लड़की घर से बाहर निकलती है तो हम लोग लड़की को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन लड़का अगर घर से बाहर निकलता है तो हम लड़के को कुछ नहीं बताते, क्योंकि हम लोग का ये दिमाग में पक्का है कि ये लड़की है, इसको बताना ही चाहिए। लेकिन यही बातें हम अगर अपने लड़के को बताएं तो समाज में ये हादसा हो ही नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग लड़के को भी उतना ही इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग लड़के को देते हैं वो सब इंस्ट्रक्शन हम लोग लड़के को भी दें, ताकि लड़के के मन में कुछ बुरा सोच नहीं आए और ये समाज में जो अभी जो इंसिडेंट्स होते हैं ये थोड़े फार कम हो जाएंगे। बाद में ये सब जब इसका जागृति हो जाएगा, जब इसका सबके मन में जब इसका पॉजिटिव निगेटिव अच्छा बुरा ये सब जब हो जाएगा, जब भी लड़के को ये सब बातें समझ में आ जाएगी तो ये हादसा नहीं होंगे। और दूसरा एक बात, आज मेरी उम्र 50 है, अभी भी मैं अगर बस में जाती हूँ, मेरे बाजू में कोई बैठा तो मैं मेरा हाथ खींच के लेती हूँ, मैं मेरा मुंह यो कर देती हूँ। क्यों ऐसा? ये प्रोग्राम में ऐसे भी बताया गया कि हम लोग के दिमाग में ये फिक्स है कि जेंट्स, मतलब उनके मन में ऐसे बुरे विचार है, हम लोग ने जेंट्स से थोड़ा बाजू में होना चाहिए, हम लोग ने जेंट्स के बचकर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हर एक जेंट्स में या एवरी टाइम वो जेंट्स के मन में यही भावना हो जाए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, मुंह इधर करेंगे, ऐसा तन यहाँ करके बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उल्टा वो जेंट्स के मन में आ जाएगा कि हाँ, मेरे बाजू में कोई लेडीज बैठी है। तो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छे लगे कि जो आज तक किसी ने नहीं बताए थे। और ये जो सोच है कि आज तक, ये उम्र तक मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हर एक जेंट्स के मन में ऐसा नहीं रहता है, हर एक जेंट्स वैसे नहीं रहते, और हम लोग को भी फ्री रहना चाहिए। हमारा जो फर्क है, मतलब जो भगवान ने जो डिफरेंस दिया है, वो डिफरेंस हमेशा हमें दिखाना नहीं, वो जो फर्क है वो भेद नेचुरली है, हम लोग हमेशा इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और हम लोग के मन में भी हम लोग ने भी यही हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा लड़का घर से बाहर निकलता है तो लड़के को भी इंस्ट्रक्शन देना है। ऐसा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और ये मेरे ख्याल से ये सोच बहुत बड़ी, ये सोच हम लोग को मिली। ऑल द बेस्ट मैडम।